यादव जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे, कैसा रहा आपका 32 सालों का एक्सपीरियंस? वैसे ये तो 1 किलोमीटर लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, हमें भी जल्दी नहीं है। एक्सपीरियंस किस कंसर्न में सुनना चाहते हैं आप, जंगल की ब्यूटी के या टाइगर साइटिंग या जो आपका सबसे एक्साइटिंग हो? सबसे एक्साइटिंग तो अटैक्स होते हैं सर। आप पे हुआ कभी? अरे और जितने भी अटैक्स हुए हैं हमारे ऊपर वो काफी एक्साइटिंग होते हैं। मतलब जो पहले हमारे पूर्वज कहते थे ना 133 करोड़ देवी देवता होते हैं, उससे डबल याद आते हैं उस टाइम। जब टाइगर की डिस्टेंस ये होती है और वो भी गुस्से में जब चार्ज करता है। कई बार चार्ज किया है मेरे ऊपर, यहाँ तक पंजे मारे हैं, यहाँ पंजे मारे हैं, ऐसे देखते रहते हैं क्या करें। और वो ये है कि उस टाइम अगर आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, आप रेस्पेक्ट करते हैं उसको, तो कुछ नहीं होता। फिर आपको बस शांत रहना होता है। आई कॉन्टेक्ट विद एनिमल, जो हमारा स्ट्रीट डॉग है उससे अगर आई कॉन्टेक्ट करोगे आप तो चार्ज करेगा या बात करेगा। इससे अगर आप आई कॉन्टेक्ट करोगे तो आप बच जाओगे। आपको ध्यान है आपने फोटोग्राफ देखे होंगे सुंदरबन के, वो पीछे एक मास्क लगा के रखते हैं हेड के पीछे। हाँ जी। वो इसीलिए है, उसका लॉजिक यही है, अगर टाइगर की आई कॉन्टेक्ट है तो वो चार्ज 99% नहीं करेगा। Okay. कभी ऐसा भी हुआ है कि जीप के ऊपर चढ़ गया वो चार्ज? नहीं, ऊपर तक नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ तक तो आ ही गया, आ जाता है। ऊपर तक नहीं आया, इतने तो पढ़े लिखे हैं। ये पूरा एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ना सर ये। हाँ जी। जब तक आप इंडिविजुअली मूवमेंट नहीं करोगे तब तक यू आर ए पार्ट ऑफ दिस बिग ऑब्जेक्ट। आपने जैसे ही थोड़ा सा हाथ हिलाया या गर्दन हिलाई, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। वाइल्ड लाइफ में चुपचाप बैठे रहो, फ्रीज हो जाओ अगर नजदीक जाएगा। अभी हम चुपचाप बैठे हुए थे और मैंने इनको बोल दिया था डोंट मूव। अगर आप मूव करते उस टाइम अगर करते तो ये मेल टाइगर था, एक को ले जाता किसी को, केक वही काटता। हम तो हैप्पी बर्थडे कहने लायक भी नहीं रहते फिर। तो मेल टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू फीमेल? मेल टाइगर एग्रेसिव इसलिए भी होता है ना, बहुत सारे रीजंस हैं देखो उसके लिए। ये देखो हेड टू हेड जो आया था, हेड ऑन सामने कितना बड़ा होता है, क्लास दिख जाए भाई, तू इधर दिख जा आज। और ये बिल्कुल जो निकला था साइड से, नो मूवमेंट। भाई देखो यहीं देख लो, चलो। वाह भाई यार, दिख जा यार प्लीज। क्या पत्थर हो रहा है? मतलब ये इतना नजदीक था, इसका जूम पूरा वो कर दिया, फिर भी इतना सा हिस्सा आ रहा था उसका बॉडी। कमाल देने पड़ेगा। चल चले थैंक यू सो मच यादू जी, इट वॉज नाइस नोइंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू।